मार टंगा मार दे जो कदे हो बल्ले 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 भाई औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के शुक्र के साथ आई का भी लोग करते हैं शुरू। सब भाइयों को मेरा सलाम। तो माशाल्लाह से वापस आ गए हैं जी। हम जो कल काम कर रहे थे ना आराम से सुकून से, लेकिन मुश्किल था ये बाजू मेरा अभी दर्द कर रहा है ये वाला, क्योंकि जब मैं खड़ा रहा था ना तो थोड़े ऊपर रखने तकरीबन यहाँ तक तोड़ा लेके जाना होता था, 30-30 किलो का तकरीबन अमूमन तोड़ा था, तो कमो बेश 70-80 तोड़े ऊपर किए हैं इस तरह। तो वो ये अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम, इन चैनल को सरप्राइज करा भाई जान। यार रात तो ठीक से गुजर गई है, लेकिन नींद आराम से आई है, लेकिन ये बाजू दर्द कर रहा है। और रात को हम ट्रॉला ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा करके गए थे, जैसे कि आप अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो सारे दिन की खजरवारी के बाद काम करने के बाद तो यहीं पे खड़ा कर गए थे, क्योंकि हमने कहा था कि वहाँ पे भी जाके खड़ा करना ही है ना, तो यहीं पे खड़ा कर देने। तो ये है कि खड़ा करने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से ऊपर से बंद किया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि अगर बारिश आए भी तो हमारी जो छलियाँ उनको नुकसान ना हो, क्योंकि ये ज़मीनें हैं ना जो गीली हैं, यहाँ पे अगर इसको उतारते हैं या फेंकते हैं तो एक तो ये खुश्क नहीं होनी जो हम चाहते हैं कि खुश्क हो। अगर हम मशीन लगाने के बाद भी कोशिश करेंगे तो यहाँ पर खुश्क करनी मुश्किल है, क्योंकि नीचे नमी बहुत ज़्यादा, नीचे से नमी ले जाती है। फिर ये इरादा ये था कि इसको कहीं जो जगह खुश्क है या ऊंची है थोड़ी सी, अगर बारिश आए या मौसम ख़राब भी हो तो टेंशन ना हो। तो इसलिए इरादा ये है कि अभी आते हैं भाई, तो इंशाल्लाह इसको यहाँ से लेके चलते हैं जहाँ पे हमें जगह खुश्क लगी, कि यहाँ पे भाई इजीली हम अगर मशीन भी लगाते हैं, मशीन लगाने के बाद इसको अगर कर देते हैं, हमवार कर देते हैं तो खुश्क जल्दी हो जाए। हमने ऐसी जगह ढूंढनी है। तो भाई आते हैं और फिर इंशाल्लाह ढूंढते हैं इस तरह की जगह, फिर क्या करेंगे इस ट्रॉले को वहां पे उतार आएंगे और एक नया ट्रॉला लेके आएंगे, क्योंकि अभी 6 कनाल तकरीबन मक्की अंदर पड़ी हुई है। और उन बंदों को भी कॉल करते हैं जो लेबर है, वो लेबर भी माशाल्लाह से खुडियां की थी, कुछ बंदे हमारे गाँव के थे और कुछ खुडियां इधर तकरीबन यहाँ से बनता है 30-35 किलोमीटर तक, कुछ वहाँ से थे। तो इस तरह है कि वहाँ से उन्होंने आना है तो उनके आने में भी टाइम थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि तब तक हम कोई अच्छी सी जगह देख के इस ट्रॉले को वहां पे शिफ्ट करेंगे जहां पे ये अच्छी तरह से खुश्क हो सके। लो जी फाइनली जो ट्रॉला है छापर उतार लिया है ट्रॉले से, तो ट्रॉला तोड़ दिया भाई आगे थे, तो अभी लेके चलते हैं इसको जल्दी से और बंदों का पता करता हूँ मैं, और इंशाल्लाह मशीन का भी करते हैं पता। एक ट्राला जो है वो बड़ा कमाल का खड़ा मिला है, वहाँ पे छोड़ा है और अभी चेक करें, ये दूसरा ट्राला हमने डाल लिया है, अभी ये भी लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह फिर लगाते हैं। अच्छा जी टाइम तकरीबन 8:30 का हो गया और भूख काफ़ी लग गई है, क्योंकि नाश्ता किया कोई नहीं था, तो आज तो कोई लस्सी वगैरह भी नहीं पी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से आ गए थे। तो जो भाई हैं वो ट्राला लेके आ रहे हैं ये सामने, तो मैंने सोचा कि भाई ट्रॉला लेके चलते हैं दूसरा, और मैं जो है नाश्ता खुद भी कर लेता हूँ और भाई का नाश्ता भी ले आता हूँ। अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करके जैसे नाश्ता भी कर ही रहा था कि भाई की कॉल आई है, भाई बर्फ भी लेते हैं क्योंकि बंदों ने दूसरा ट्रॉला फिल करना शुरू कर दिया था, शायद प्यास लगी थी उनको, तो क्योंकि कूलर वगैरह कल का इधर ही है तो बर्फ़ में ले आया हूँ, अभी क्या करेंगे बर्फ़ कूलर के अंदर डाल के कहीं मेरे को ले जाते हैं जी। पानी ले आया हूँ, देखें कूलर से पानी निकल के मेरे पे भी लग गया सारे कपड़ों पे, ये कूलर लेके आया हूँ। और जो भाई लोग हैं उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, देखें जी वो लेके आ रहे हैं थोड़े, वो लेके आ रहे हैं भाई लोग। तो ये है कि अभी जल्दी जल्दी से ये जो रह गया इसको भी मुकम्मल करते हैं और चलते हैं फिर ले कर इसको भी और मशीन लगाते हैं इंशाल्लाह से। मार टंगा मार दे जो कदे हो बल्ले 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 भाई बल्ले नहीं भाई आने दिक्कत था कोई भी नहीं लग गया इतने पाया उत्ते ने अमली जोर था ला रहे हैं इतने
अमली चौक उतान उतान चौकस नहीं भाई हाले भी कर जोड़ बराबर है नहीं एक बार बाहर आओ भाई छड़ के नाली च कंड नहीं ना लगनी बोतल बोतल ले आते हैं जी ना तकरीबन जो बराई है वो मैंने दिखाई है अभी आपको हो रही है तो जब मशीन लगाई थी भाई अपने आप ही होश ही नहीं मतलब कि तब इतनी ज़्यादा ना गर्मी लग रही थी और धूप थी फिर भैया अचानक बादल आए हैं तो फौरन से भी भाई बराई शुरू करवा दी है रेट तो कम थी ना थोड़ा सा मार्केट की नस्बत लेकिन ये है कि अभी ये देख लें मौसम किस तरह का किसी वक्त भी बारिश आ सकती है अभी जिस तरह का मौसम है तो जो बकाया सामान था आली तोड़े वगैरह जदरा कई सही और डाले के अंदर डाल के आपका भाई ले आया है और इनको रखते हैं इधर बंदे भी आ रहे हैं अभी पीछे इनको रखने के बाद भाई ट्राला उतारेंगे और यह है कि मैंने ये सोचा कि बारिश आने से पहले जितने भी काम है ना तो तकरीबन सारे ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी अभी आपका भाई तकरीबन पहुँच गया है अच्छा जी औखे सौखे होके थोड़े बंदों के आने से पहले ही उतार लिए है उन्होंने कहा अभी हम बस पहुंच रहे हैं तो मैंने कहा तब तक मैं उतारता हूँ उनके आने से पहले मैंने सब कुछ उतार लिया है तो भाई बादल स्टार्ट गर्जना शुरू हो गए अभी क्या अभी रहेगा ये सिर्फ रोला तो इसको करते हैं बैग और जिन भाइयों का है वहाँ पे छोड़ के आते हैं जल्दी से बारिश आने से पहले